हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी और हमारी आँखों के साथ सीधा जुड़ा है। देखिए प्रकृति ने हमें कितनी सुंदर एक अनमोल चीज़ गिफ्ट में दी है, आँखें। आँखें हैं तो ये पूरा संसार हम देख सकते हैं, आँखें नहीं हैं तो हमारे लिए फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब फिर तो अंधकार में है। हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो ये सारा हमारी आँखों की बदौलत है। ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली आँखों से रिलेटेड। हम इसमें बात करेंगे रेज क्या होती हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे न्यूटन ने जो पार्टिकल मॉडल दिया था उसके बारे में बात करेंगे, और फोटोन क्या होता है, वेव क्या होती है, पार्टिकल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल जनरल टॉपिक है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की पॉइंट है। इसके बाद हम लाइट के बारे में फुली डिस्कस डिटेल में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपका आज का टॉपिक पार्टिकल, वेव और फोटोन के बारे में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो बिना देरी किए लेट्स गो टू दी टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा, पहले देखिए हम फोटोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फोटोन होता क्या है, क्योंकि हमारा जो ऑप्टिक्स है शुरुआत यहीं से होगी। नेचर ने हमें इतनी अच्छी आंखें दी हैं और आंखों में रेटिना दिया है जो कि एक बहुत बड़ा सेंसर है। आपने सेंसर के बारे में सुना होगा, तो बड़ी ही सेंसिटिव है हमारी आंखें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बड़ी जल्दी कैच कर लेती हैं, छोटी सी रेंज को। और जो वेवलेंथ हमारी 400 नैनोमीटर से, यानी कि 400 का मतलब 400 नैनोमीटर से 750, यानी कि 750 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है उसको हम लाइट बोलते हैं, और विजिबल लाइट मोस्टली क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट। और इसके अंदर की जो वेवलेंथ है उसमें हमारी आंखें बिल्कुल आसानी से देख सकती हैं। हमारे पास दो बातें हैं कि लाइट कहाँ से आती है और ये किस तरह से प्रोपेगेट होती है और किस तरह से ये चलती है। सबसे बड़ी बात तो देखिए लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड, ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक हम मीडियम को चेंज नहीं करते। मीडियम को चेंज करते हैं तो थोड़ा ये बेंट होते हैं, लेकिन वहाँ भी ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। एक बार झुकने के बाद दोबारा फिर स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। बड़ा ही सुंदर लेसन हमारे पास, तो शुरू करते हैं ध्यान से। देखिए पहले फोटोन पे बात आते करते हैं। फोटोन है क्या, जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो फोटोन भी एक तरह से उसी कड़ी में होता है हमारे पास। फोटोन इज ए पार्टिकल ऑफ लाइट। जब लाइट की बात करेंगे तो हम फोटोन की बात करते हैं। डिफाइंड एज डिस्क्रीट बंडल और एक क्वांटम बंडल भी बोल सकते हैं, क्वांटम बोल सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या लाइट। लाइट मीन एनर्जी, एनर्जी मीन लाइट। तो ये एक बंडल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या लाइट्स का, एक बंडल होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोन बोलते हैं, और डिस्क्रीट बंडल होता है ये। अब जो फोटोन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए। नंबर एक, जो फोटोन है वो बिहेव एज ए पार्टिकल एज ए वेव, दोनों के रूप में काम करता है। पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है, ठीक है ना। मूव एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपली हम लिखते हैं 3 ×
10^8 लिखते हैं हम मोस्टली, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कितना लिखते हैं, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, इनकी स्पीड ऑफ लाइट है इन एम्प्टी स्पेस। दूसरा देखिए, इसका मास जीरो है, एनर्जी रेस्ट, कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विच आल्सो रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा। फोटोन के पास एनर्जी होती है और रिलेटेड किससे है हमारे, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया लेंथ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, और पी क्या होता है, एच ओवर लैम्डा, प्लैंक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं। कैन बी डिस्ट्रॉयड क्रिएटेड व्हेन रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड इमिटेड, डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्रिएट हो सकता है रेडिएशन को जब एब्सॉर्ब करता है। कैन हैव पार्टिकल लाइक इंट्रैक्शंस इनकी कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल्स सच एज इन द कॉम्पटन इफेक्ट इन विच पार्टिकल्स ऑफ लाइट कोलाइड विद एटम कॉजिंग द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर पॉइंट, अब पार्टिकल मॉडल क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, लाइट कैन कोज एन इलेक्ट्रॉन टू गेट नोक्ड आउट ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लाइट इज कंसिडर्ड टू बी ए फोटोन, फोटोन आर पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ये होगा पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। वेव मॉडल ऑफ लाइट, लाइट कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आफ्टर लाइट गोज थ्रू ए फिल्टर इट टर्न्स इनटू पोलराइज लाइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में मोस्टली क्वेश्चन आता है, डिस्कस करेंगे इसी लेसन में। द वेव इज ट्रांसवर्स, ये भी चर्चा करेंगे, फिलहाल आप पार्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ते रहिए। स्पीड ऑफ लाइट या लाइट ईयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है ये भी। स्पीड ऑफ लाइट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स, मतलब दूर से जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो हम यूज करेंगे लाइट ईयर या स्पीड ऑफ लाइट। ए लाइट ईयर क्या होता है, एक यूनिट है किसकी, लेंथ की और डिस्टेंस की, लार्ज डिस्टेंस की, बहुत बड़ी दूरी हमें जब मापनी हो, जैसे सन की डिस्टेंस हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो लाइट ईयर में माप सकते हैं। इफ़ यू लुक अप एट द स्टार एट नाइट एंड यू सी इट ग्लोइंग द स्टार कुड बी बर्नट आउट, सिंस इट सो फार यू कैन नॉट टेल टू योर आइज द स्टार इज स्टिल इमिटिंग लाइट एंड इज नॉट बर्नट आउट लाइक ए लाइट बल्ब, ठीक, क्लियर। इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन वन ईयर, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन है, ये क्या है लाइट ईयर की डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन वन ईयर, एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है ना, और अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है हमारे पास, काउंट कर लीजिए, यानी कि 9.4607×10^12 किलोमीटर। निकालेंगे कैसे, देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी हमारी, 3×10^8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और एक दिन में वन ईयर में आ गया 365 डेज, फिर हम क्या निकालेंगे, 24, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और टोटल हमारी आ जाएगी। मतलब क्या है, हमें क्या करना है, पहले तो स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं, फिर एक घंटे में कितने मिनट होती हैं, कितनी सेकंड होती हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज द रेट एट विच लाइट ट्रेवल्स, क्लियर है। डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड वेव, वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, नंबर एक पार्टिकल लेते हैं, क्या होता है,
ए पार्टिकल ऑक्यूपाइज ए वेल डिफाइंड पोजिशन इन स्पेस, उसकी एक पोजिशन होती है। कहने का मतलब ए पार्टिकल इज लोकलाइज इन स्पेस, एग्जाम्पल ए ग्रेन ऑफ सैंड, एक क्रिकेट बॉल, वो भी एक पार्टिकल है, वो बड़ा पार्टिकल हो जाएगा, छोटा भी हो सकता है पार्टिकल, बड़ा भी हो सकता है, उसका जो है एक वेल डिफाइंड पोजिशन है स्पेस में, चाहे थोड़ी सी भी हो। क्लियर? सेकंड, व्हेन ए पार्टिकुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाई वन पार्टिकल द सेम स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड सिमिलरली बाई एनी अदर पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, एक पार्टिकल ने जो जगह ले ली, दूसरा पार्टिकल उसके स्थान पर नहीं आ सकता। कहने का मतलब पार्टिकल डो नॉट इंटरफेयर, एक दूसरे को तंग नहीं करते। थर्ड, व्हेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम, दैट इज इट इज नाइदर लेस नॉर मोर। वेव के बारे में देखिए, ए वेव इज स्प्रेड आउट इन स्पेस, स्पेस में फैल जाती है। एग्जाम्पल, ऑन थ्रोइंग ए स्टोन इन ए पाउंड ऑफ वाटर, पानी में एक पत्थर मारोगे तो उसमें लहरें उठती हैं, वो एक वेव का काम करती हैं। कहने का मतलब द वेव स्टार्ट मूविंग आउट इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिंग सर्कल्स, सिमिलरली साउंड ऑफ स्पीकर रीचेज एवरीबॉडी इन द ऑडियंस दस ए वेव इज डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। सेकंड, टू आर मोर वेव्स कैन कोएग्जिस्ट इन द सेम रीजन ऑफ द स्पेस हेंस इंटरफेयर, एक दूसरे को बाधित कर सकती हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस ड्यू टू इंटरफेरेंस द रिजल्टेंट वेव कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन द इंडिविजुअल वेव, यानी कि इंटरफेरेंस मे बी कंडक्टिव कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं न्यूटन पार्टिकल्स थ्योरी की। देखिए, न्यूटन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट इज ए पार्टिकल्स, लाइट जो एक पार्टिकल है एंड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विद ए हाई वेलोसिटी एंड एनर्जी। इस थ्योरी को हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी बोलते हैं, और कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या आता है, एक छोटा सा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल। न्यूटन का जो फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन में, ऑफन ब्लाइंड अस टू डीप एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लाइट, हमें धकेल देता है कुछ ना कुछ सोचने के लिए। न्यूटन साहब ऐसे वैज्ञानिक हैं, काफ़ी कुछ योगदान रहा है उनका हमारे लाइफ में, हमारे जो डिस्कवरी है उसमें, और उसने लाइट पर भी जो है कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट प्रपोज्ड किया। उसने कहा कि लाइट एनर्जी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। उसने फिर कहा कि जो कॉर्पस, जो हमारा ये कॉर्पस्कल्स हैं ऑफ लाइट, वर मासलेस इलास्टिक पार्टिकल, ये मास लेते हैं, इसका मतलब मास नहीं, उसने कहा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन पार्टिकल थ्योरी, व्हेन लाइट पार्टिकल्स एंटर इनटू आईज, आंखों में जब प्रवेश करते हैं, दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेंसेस ऑफ विजन, द कॉर्पस्कल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड आल्सो हैव द डिफरेंट साइज। क्लियर पॉइंट? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन मैनी नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पार्टिकल थ्योरी के बारे में जानना क्यों जरूरी है, ये पूरे का पूरा टॉपिक इसी के ऊपर घूमना है हमारा, पार्टिकल्स के ऊपर। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज व्हेन ह्यूज नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल टचेज द मिरर दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स लाइट पार्टिकल्स गेट रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाई दिस थ्योरी। पूरे चैप्टर का निचोड़ चल रहा है, द थ्योरी ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इसकी मदद से एक्सप्लेन करेंगे। कब? व्हेन द लाइट पार्टिकल्स हिट्स द बाउंड्री देर इज अ फोर्स क्रिएटेड बिटवीन द डिफरेंट मीडियम एंड द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। देखिए न्यूटन कहाँ कहाँ लेके जा रहा है हमें, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द लाइट इज डीप इनटू मीडियम लाइक वाटर या ग्लास देर विल बी नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द लाइट एज द लाइट पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन।
द फोर्स विल कैंसिल ईच अदर। न्यूटन पार्टिकल थ्योरी और जिसको हम कॉर्पुलर थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ लाइट, कैन नॉट एक्सप्लेन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा इसका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इनमें से मोस्टली ये क्वेश्चन हमारा आता है, इसको आप याद करेंगे बाद में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा हम आपके लिए रिवीजन में आ जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं, न्यूटन एक्सपेरिमेंटर वाज ए ग्रेटेस्ट देन न्यूटन द थ्योरिस्ट। उसने स्वयं ऑब्जर्व किया काफ़ी फिनोमेनाओं के बारे में जो बड़ी डिफिकल्ट थी समझने में, पार्टिकल ऑफ नेचर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, कलर ऑब्जर्व ड्यू टू ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर। आप देखेंगे एक बूंद होती है जो तेल की, ऑयल की होती है ना, तो उस पर हमें जो है एक सुंदर कलर की फिल्म दिखाई देती है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज येट अनादर एग्जाम्पल। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एवरीवन हैज लुक्ड इनटू द वाटर इन ए पॉन्ड। तो आपने देखी, तालाब में भी देखा होगा, अपना चेहरा भी देखा होगा, बट आल्सो सी जे बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और हमें देखिए, अपना चेहरा तो दिखता ही दिखता है, नीचे भी दिख जाता है सब कुछ हमें। तो न्यूटन ने कहा, सम ऑफ टाइनी पार्टिकल विच फॉल ऑन वाटर्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम गेट ट्रांसमिटेड। उसने कहा भी कुछ पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं, बट व्हाट प्रॉपर्टी कुड डिस्टिंग्विश दीज टू काइंड ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी कि कॉर्पसल्स। न्यूटन ने जो गैस लगाई थी, उसने कहा कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल जो हमारे होते हैं चांस ऑफ फिनोमेना, विच डिसाइडेड वेदर इंडिविजुअल कॉर्पसल वुड बी रिफ्लेक्टेड और नॉट। तो सच ए डिलेमा, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी थी वो नहीं देख पाए, तो वो दुविधा में पड़ गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इनकमिंग वेव कैन बी डिवाइडेड इंटू वीकर वेव्स एट द बाउंड्री बिटवीन द एयर एंड वाटर। तो ये थी हमारे जो न्यूटन साहब थे, उनकी पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट के बारे में जो उन्होंने कहा था। तो मेन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आया, लाइट वेव्स कैन बी कंसीडर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर एंड गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और जिस पाथ से वो चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेज ऑफ पाथ, और पाथ इज कॉल्ड द रेज ऑफ लाइट, एंड बंडल ऑफ सच रेज कंस्टिट्यूट ए बीम ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में हमारा यही चलेगा, बिल्कुल मोस्टली फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और रे की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फिनोमेना का, और स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बड़ा ही लंबा चलने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, जनरल टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी ही हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे ले जाए इजाज़त। जय हिंद।